साइंस टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को लिखी चिट्ठी, बातचीत का दिया न्योता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने नवगठित मंत्रिमंडल में शाह महमूद कुरैशी को विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा है। अपने पहले संबोधन में कुरैशी ने कश्मीर का राग छेड़ते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच पेचीदा मामले हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें बिना दखल अंदाजी बातचीत की जरूरत है और हमें समस्या का हल निकालना होगा। दोनों देशों के बीच फिर से वार्ता शुरू होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की शुरुआत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखी है। कुरैशी ने कहा, भारत के साथ निरंतर और बिना दखल अंदाजी वाली बातचीत की जरूरत है। हम पड़ोसी हैं, लंबे समय से हमारे बीच विवाद चले आ रहे हैं और हम दोनों को ही अपनी परेशानियां मालूम हैं, लेकिन हमारे पास सिवाय बातचीत के कोई और विकल्प नहीं है। और हिंदुस्तान की वजीर खारजा से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम दो न सिर्फ हमसाए हैं, हम दो एटमी कुवते हैं। हमारे दरीना मसाइल हैं, उन वसाइल से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकफियत रखता हूं। हमारे पास मेरी राय में गुफ्तगू शुनीद के अलावा कोई और हल नहीं है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान को अपने सामने वास्तविकताओं को रखते हुए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम इमरान खान को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत का संकेत दिया है। शाह महमूद ने कहा, हमारे मसले जटिल हैं और हमें इन्हें सुलझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमें यह मानना होगा कि कश्मीर एक सच्चाई है। इस्लामाबाद में जो घोषणा हुई थी वह अब इतिहास का एक हिस्सा है। हम कोई एडवेंचरिज्म, हम कोई एक्सीडेंटल एडवेंचरिज्म जहां रिएक्शन टाइम इतना मुख्तसर हो, मेरी नजर में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सबसे मुनासिब रास्ता है मुश्किलात को जानते हुए कि मसले पेचीदा हैं, जानते हुए कि हो सकता है कि इनका कोई फौरी और आसान हल ना हो, बट वी हैव टू एंगेज। हम रूठ के एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें हकायक तस्लीम करने होंगे, हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। हम ना चाहें या ना चाहें, कश्मीर एक हकीकत है, एक मसला है जिसको दोनों मुल्कों ने एक्नॉलेज किया हुआ है, उसका एतराफ करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो आज इस दुनिया में नहीं है और पाकिस्तान ने अपने लॉ मिनिस्टर को उनकी आखिरी रसूमात में भेजा, वो यहां तशरीफ लाए, वो लाहौर आए, वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए और उन्होंने पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और कश्मीर उसका एक हिस्सा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हमारी तारीख का हिस्सा है। कुरैशी का कहना है कि हम केवल पड़ोसी नहीं बल्कि परमाणु शक्तियां हैं। हमारे पास मौजूद बहुत से संसाधन समान हैं। हमें मालूम है कि मसले कठिन हैं जिन्हें एक रात में सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें बातचीत करनी होगी। कश्मीर ऐसा मामला है जिसे दोनों देश मानते हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन वह यह देखना चाहते हैं कि हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आता है। तो मैं समझता हूं कि हमें एक कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड डायलॉग की जरूरत है। यही दानिशमंदाना रास्ता है मेरी राय। इसी बीच सूत्रों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इमरान खान को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि पीएम ने खान को बधाई वाला पत्र लिखा था और उसमें बातचीत को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सांझ टीवी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सांझ टीवी
ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए। ताजा खबरों के लिए आप www.sanch.tv पर भी जा सकते हैं।